अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं शाही रोल। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये कम इंग्रेडिएंट्स में ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस बकरीद इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 300 ग्राम मटन का खीमा ले लिया है। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, सॉल्ट टू टेस्ट। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, 30 ग्राम ऑफ बटर रूम टेम्परेचर पर, और ऐड कर देंगे कोरिएंडर लीव्स। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह पीस लेंगे। अभी पिस चुका है, इसमें हम ऐड कर देंगे 1 कप ब्रेड क्रम्स। अब ये पिस चुका है और इसमें सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। यहाँ हमने एक प्लास्टिक की शीट ले लिया है, उस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा मिक्सचर रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे। अब इसे हम एक चपटी साइज में बेल लेंगे। इसी तरह हमने इसे बेल लिया है। अब इसे हम खोलेंगे और इसमें चीज की एक स्लाइस रख देंगे। अब इसका हम एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करें बगैर यहां से मत जाइए। इसी तरह हमने इसका पूरा एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लिया है। अब इसे हम रोल करेंगे। इस तरह धीरे धीरे हमें इसे रोल करना है। अभी अच्छी तरह रोल हो चुका है, इसके साइड्स को हम पैक कर लेंगे। इसी तरह हम सारे शाही रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर रखेंगे, इसे फोल्ड करेंगे और इसे चपटा बेल लेंगे। अब इसे हम खोल कर इसमें चीज की स्लाइस रखेंगे और इसे एक साइड से कट करेंगे और तीन साइड से ऐसे ही रहने देंगे। अब इसे हम पैक कर लेंगे। इसी तरह हमने सारे बना लिए हैं। अब इसे हम कॉर्नफ्लोर से कोट करेंगे। इसी तरह हम सारे कर लेंगे। इस स्टेप पर अगर आप चाहे तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं और आपका जब मन चाहे इसे आप फ्राई करके खा सकते हैं। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और आप देख सकते हैं ये कितने टाइट बने हैं, इसी तरह हमें चाहिए। यहाँ एक साइड पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। अगर इसमें से बबल्स आए तो आप समझ लीजिए कि ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसे एग व्हाइट में डिप कर इसे फ्राई कर लेंगे।
इसी तरह कुछ हम एग वाइट में डिप करेंगे और कुछ एग वाइट में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। आप चाहे तो इन दोनों में से कोई भी स्टेप से बना सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स के साथ ये अच्छे लगते हैं। अब ये रेडी है तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। अब ये यमी से मज़ेदार से शाही रोल बनकर तैयार है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।